हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो क्या हाल चाल है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। तो अभी हम लोग हैं इस्लामाबाद में, कराची से हम लोग वापस आ गए थे। कराची में यार हमारे दो तीन काम थे और तुम लोगों को मैंने कहा था यार जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बहुत धमाकेदार होगी, लेकिन उसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वीडियो आएगी लेकिन किसी भी टाइम आ सकती है, क्योंकि तुम लोग को पता है यार वीडियो प्रूफ करानी होती है, जरा कोलैब हैवी सा, तुम लोग को बहुत मजा आएगा। तो कल यार हम लोग इस्लामाबाद आ चुके थे और बाकी मेरे साथ जो दोस्त थे वो सारे चले गए थे। तो अभी मैं इधर दोस्त की तरफ आया हूँ और अभी नहा शहा के फ्रेश हुआ हूँ। यार बीमार हो गया हूँ, तुम लोग को मेरी आवाज़ से फील हो रहा होगा। बाकी यार आज सुबह बारिश हुई है, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद में मजा ही आ गया। और ये तुम लोग वेदर चेक कर सकते हो कितने मजे का। तो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं यार, कुछ खाना शाना खाते हैं और शुगर में लगाते हैं। बाकी यार मुझे मामा की भी कॉल आई थी, मामा कह रही थी आज यार दिल नहीं लग रहा, और मेरा भी कसम से मैं खुद थोड़ा सा सैड हो गया हूँ। कल इंशाल्लाह सुबह नहीं तो शाम को ना यार लाहौर निकलते हैं भाई, बस हो गई है, हफ्ता होने लगा है मैं घर से बाहर हूँ। अच्छा तो अभी आ जाओ चलें, तुम लोग को जरा मैं अपनी ड्रीम कार दिखाऊं। तुम लोग को लग रहा होगा ड्रीम कार तो इसकी सुपरा है, सुपरा नहीं यार, और भी बहुत ड्रीम कारें होती हैं, कोई भी आ जाए ड्रीम कार सारी होती हैं। तो अभी आओ जरा तुम लोग को ड्रीम कार दिखाएं। तो यार तुम लोग को दिखाते हैं टोयोटा क्राउन, और ये मेरे ख्याल से 2018 मॉडल है या 2019 और मे बी 2020, आई हैव नो आइडिया। और अभी मैं फर्स्ट टाइम टोयोटा क्राउन में बैठा हूँ। तो भाई ये भी तुम लोग इंटीरियर देखो, आय हाय 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 यार कसम से नेक्स्ट लेवल लग्जरी, सिंपल खूबसूरत। और ये यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो रिवर्स कैमरा भी लगा हुआ है, पीछे से सारा कुछ नजर आता है, पीछे क्रोला खड़ी हुई है वो तुम लोग देख रहे हो। और क्वालिटी तुम लोग चेक करो भाई कितनी हरामी है, एक यहाँ पे भी LED लगी हुई है और ये सारा कुछ सीन है, और यहाँ पे AC कंट्रोल ये वो, मैं कहता हूँ यार आय हाय हाय स्मूथ। अच्छा दो स्क्रीन है, एक वहां पे भी है, एक वहां पे भी है, वाह जी वाह सुभान अल्लाह। बाकी यार ये जो चीज है ना, ये चीज मैं कहता हूँ नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल भाई नेक्स्ट लेवल। अभी बाहर चलते हैं, बाहर से तुम लोग को दिखाता हूँ। तो ये तुम लोग देख सकते हो यार हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ ये ले लो और क्या चाहिए। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो भी माशाल्लाह से नेक्स्ट लेवल है, 3 करोड़ या 2.5 करोड़ की है मेरे ख्याल से। तो ये तुम लोग बैक से देख सकते हो, मैं तो सोच रहा हूँ सारा कुछ बेच बाज के ना ये गाड़ी ले लेते हैं है? लेकिन अगर मैं सारा कुछ बेच भी तू मार्केट बेचारी हमारी 50 की है फिर भी नहीं आएगी ये यार, आधी भी नहीं आएगी, होना आधी आधा हिस्सा आ जाए क्राउन का, लेकिन वो भी नहीं आएगा। अभी यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोग को एक और गाड़ी दिखाता हूँ भाई, GMC डनेली, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ एक ही है 2-door। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की है लेकिन मुझे अभी तक तो कहीं नहीं मिली। तो यार तुम लोग ने बाहर से फिर देखी है ना हरामी, और मैंने तो अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखी, मे भी हो और मे भी ना हो, एक दो होगी, लेकिन अभी तक तो एक हमारे सामने है बिल्कुल। आए हाय, और ये 2-seater पीछे से तुम लोगों ने देख लिया है, और इसका एग्जॉस्ट की आवाज इतनी नहीं है, आए हाय हाय हाय, तो आवाज तो तुम लोग को नहीं आ रही होगी, हल्की बहुत हल्की सी आ रही होगी, बाहर से मैं तुम लोग को सुनवाता हूँ। और ये इसका इंटीरियर है भाई, और ये सामने आ रहा है टायर प्रेशर लो, ठीक है, ये जो राइट वाला नहीं होता बैक वाला, तो इसके अंदर 4 टायर लगे हुए हैं पीछे, तो ये सारा सीन। और ऊपर से मेन बात ये है भी लेफ्ट हैंड भाई, तो मेरे लिए तो ये बहुत इजी है ड्राइव करना, इसके ऊपर बंदा ड्रिफ्टे मारे मैं कहता हूँ चासी आ जाए। मैं तेरी इंक्वायरी कराना, मैं तेरा हिसाब लूं, ये आवाज आ रही है इसकी, तो इसकी इतनी आवाज नहीं है जो नॉर्मली होती है वो उतनी है, लेकिन अभी यार मैं बैठा है ना, इसकी सीट बड़े मजे की है कसम से, क्राउन की भी मजे की है लेकिन इसकी ज्यादा मजे की है, कंफर्टेबल ऐसे लगता है मसाज, बंदा मसाज करा रहा है मसाज। तो अभी आ जाओ यार चले। Next day. है यार, तो कल रात को यार मैं घर आ गया था, मैंने दोस्तों को कहा यार मुझे भाई डेवो पे उतारो, मैं घर जाऊं क्योंकि भाई मेरी तबीयत खराब हुई थी, मैंने कहा फिर सुबह उठूंगा, सुबह बस पे बैठूंगा, सारा दिन जाया हो जाएगा। तो भाई अभी अभी उठे हैं, नाश्ता वगैरह किया, सुकून मिला है। और यार अभी मैं नाश्ता कर रहा था, अभी चिंटू ऊपर आया था, जो तुम लोगों को पता है हमारा चिंटू है जिसने बच्चे दिए हैं, उस बेचारे को मेरे ख्याल से इन्फेक्शन हो चुका है, तो अभी जल्दी से हम लोग उसको लेके जा रहे हैं। बाकी तुम लोग को उसके बच्चे भी दिखाते हैं कि किस हालत में है भाई, फिट हालत में। तो यार ये तुम लोग देख सकते हो तीनों बड़े हो चुके हैं, कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये इसकी मामा है, ठीक है, हेलो मामा, मामा को भी पता है बड़े हो गए हैं, ये देखो लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ, ये बड़ा प्यारा है और ये भी बड़ा प्यारा है, ये भी बड़ा प्यार है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बाल है ना वो मेरे ख्याल से इसके निकले हैं, ये लड़ाइयां, ये देखो कितना प्यारा है।
रात को यार मुझे एक सपना आया कि जब मैंने गाड़ी ऑन की मेरी मार्केक्स की टंकी फुल थी, तो भी देखते हैं कि अपनी गाड़ी की टंकी फुल है या नहीं। बिस्मिल्ला, मुझे तो लग रहा है खत्म ही हुई होगी। ये लो चलो भाई चिंटू डाले मिस को अंदर। चल चल ओए 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 ध्यान नाल मेरा पुत्र ओ इधर आओ मेरा बेटा आओ भाई चालू हो गया। चलो बदमाशी इजी चलो कोई नहीं आ रही हैं लेके आ रही हैं। उसकी तबीयत खराब है हैं। और अम्मी जी कैसे हैं? मेरे बच्चे को बीमार कर दिया। मैंने कहता बीमार हो लो अल्लाह वाले भी गर्मी है ना मेरे ख्याल से, इसलिए गर्मी कोई नहीं हो जाए। घंटे लगा हुंदा वे बेटा और ही वजह वो वैसी उस तरह ही हो उसके अंदर गर्मी होगी ना तो इसलिए है। चलो मैं लेके आता हूं इसको। ओके चिंटू बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मैं किधर जा रहा हूं। चिंटू चुप कर बे कुत्ते। सबसे पहले मैं चिंटू को लेके आया था और उसके बाद हम लोग चिंटी को लेके आए थे। ये छोटे छोटे थे, छोटे छोटे अब देख लो बच्चे दे दिए हैं। और ये जब का मैं लेके आया हूँ इनको, ये पहली दफा होगा ये चिंटू को एलर्जी हुई होगी। अब ये मुझे आई हैव नो आइडिया किस चीज की एलर्जी है। ये कानों के अंदर पड़ी हुई है एयर माइट्स, ये देख रहे हैं ब्लैक डस्ट। जी जी ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक कानों के कीड़े होते हैं जो अंदर बाइट करते हैं और खारिश होती है। अच्छा जैसे ये खारिश होती है अपने पंजों से ही अपने खुद को जख्म गा लेती है, घर में ऐसे ऐसे लगी रहती है। सही तो बेसिकली एयर माइट का ये केस है। और तो ये ठीक हो जाएगा? हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, लेकिन 2-3 हफ्ते लगते हैं। अरे भाई इसका इलाज हो रहा है। बस मिठू ओए बस अच्छे बच्चे नहीं मिलते हैं स्टे। और यार इसके बॉल कटा दें फिर, ये बड़ा हैंकी पैंकी कार है। कटा दें अंकल जी इसके बॉल, दर्द तो नहीं होगी बेचारे को? चलो सोचते हैं यार इसके बारे में, घर वालों से पूछते हैं, वो मान के तो करवा लेंगे। क्योंकि अभी ये क्या कर रहा है ये, अभी ना तुम लोगों को पता है चिंटी हीट पे थी और उसके बाद ना ये अब पोटी ट्रेंड ही है, लेकिन ये हर जगह पे ना सुसु मुसु कर रहा है ताकि बाकी बिल्लों को बताने के लिए कि मेरा इलाका है, जिनको पता है उनको पता है। तो अंकल कह रहे हैं यहाँ तो इसकी सर्जरी करा लो, जो बॉल सिंपल लफ्ज़ में कि इसकी बॉल ख़त्म करा दो ताकि यू नो हैंकी पैंकी ना करे। तो पापा से पूछते हैं, पापा मान के तो करवा लेंगे, लेकिन इसमें पेन शेन कोई नहीं होता क्योंकि ऑफ कोर्स ये बेहोश करते हैं। बहुत से लोगों ने कराया हुआ है, बहुत से लोगों ने, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑल गुड है। दर्द तो नहीं होगा इसको जख्म पे? ऑब्वियसली होता है, उसी दर्द को ठीक करने के लिए। दो दे दो। तो यार ये है जो हमने उसके जख्म पे लगानी है। तो यार ये चिंटू की दवाइयां शवाइयां आ गई हैं सारी, क्योंकि तो इतना कुछ नहीं है। तुम लोग को लग रहा होगा कि भाई चिंटू को क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। एक तो उसने 2 इंजेक्शन दिए हैं, वो इंजेक्शन ही वो ड्रॉप्स हैं इसके कान में डालने के लिए। और दूसरा अभी जो मैंने लिया ये है ट्यूब जो इसके हम लोगों ने जख्म पे लगानी है दिन रात शाम को। ठीक है समरिया। अंकल कहते हैं तकरीबन 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चिंटू भाई टेंशन ही लेनी, आप मेरे हत्ते चढ़े हो, ठीक है 100 साल जियोगे बेटा 100 साल। ऐसे तो यार इतनी मैं ब्लॉग को एंड करने लगा, तो बाकी जो चिंटू की अपडेट है यार वो फिलहाल फिट जा रहा है, और जो उसका जख्म था मैंने उधर वो ट्यूब वगैरह लगाई है तो अभी फिलहाल फिट जा रहा है। तो जब मैं लेके आया था ना उसको तो वो सीढ़ियों में सो रहा था, यानी उसको सुकून मिल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक हो जाएगा 2 हफ्तों में। डॉक्टर ने कहा था उसको कल भी लेके आओ परसों भी लेके आओ, इंजेक्शन लगवाएंगे। इंजेक्शन से ना बैक्टीरिया जल्दी रुक जाता है। वो कह रहा था आपको मैं सिरप भी दे देता हूँ, लेकिन बिल्लियां ना सिरप पीती नहीं है, तुम लोग को पता तो है। मैंने कहा यार कोई नहीं उसको 2 दिन में लेके आ जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी तो हमारी चिंटी भी फिट है, चिंटू भी अब फिट हो गया है, और तीनों बच्चे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फिट है माशाल्लाह। बाकी यार जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार, जल्दी से यार 600 के हो यार, क्या करती होगी इधर कोई बच्ची होती ना हेलो गाइस सब्सक्राइब ऐसे जाने से सब्सक्राइबर उसके ऊपर। और साथ ही साथ यार बेल आइकन भी दबाओ ताकि तुम लोग को जल्दी से जल्द नोटिफिकेशन आया करे न्यू वीडियो का। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।